हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल दिस इज सृष्टि अग्रवाल तो मैं आप सभी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन जिसमें हमने वर्कशीट थर्ड तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट फोर्थ से कंटिन्यू तो यहाँ पर देखेंगे हम वर्कशीट फोर्थ का क्वेश्चन जिसमें दे रखा है आपको एक सीन पैसेज जिसे आपको रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं तो पैसेज है अ ग्रूफ ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्थ स्लिइ अबाउट ऑन देअ gaudy purple wings intercepting the flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers the child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wing and rest and he would try to catch it but it would go fluttering flapping up into the air when he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come, come on uh, to the footpath. He ran towards his parents' galley and uh, walked uh, abreast of them for a while. Being home, um, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that um, were teeming out from their.

तो ये हमने रीड कर लिया है जिसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे ना वो इसी में ही उपलब्ध है आपके आंसर तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड फॉलो देम हियर देम रेफर टू ड्रैगन फ्लाइस नेक्स्ट है देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल टू हिज चाइल्ड ऑप्शन बी सी को करेक्ट कर देंगे सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड टू गिव इन सेंटेंस ही रेन टू वर्स हिज पेरेंट्स हैप्पीली हैप्पीली का हो जाएगा यहाँ पर गएली सिमिलर वर्ड है गैली नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाईज वर बुजिंग अबाउट ऑन देअ गाउडी पर्पल विंग्स बसलिंग राइट एनी थ्री राइमिंग वर्ड्स ऑफ कैच एज एंड गैज कैच का मैच बैच स्क्रैच एज का वेज हैज का हैजै हैज़ ठीक है तो जो राइमिंग वर्स होते हैं उनमें लास्ट के जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम रहता है ये ध्यान रखिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स बनाने थे पे कोई भी आप वर्ड्स बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस आपको रीअरेंज करना है दिए गए सेंटेंस को तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा फ्लाइज वर्ड बर्सलिंग अबाउट ऑन दाउडी विंग्स आप जो थर्ड है थर्ड को आप फर्स्ट कर देंगे ही वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो फ्लैपिंग नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस सेकेंड में आ जाएगा नेक्स्ट होगा दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देअर हाइडिंग प्लेसेस थर्ड मैं ये लिख देंगे जो सेकेंड सेंटेंस है वो आ जाएगा देन लास्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस फोर्थ में दे हैड सीटेड दम ऑन द एजेज ऑफ वेल्थ Is well. तो यहाँ पर रियज करना था आपको नेक्स्ट है आपको अब तो यहाँ पर अ चाइल्ड फॉलोअ ड्रैगन फ्लाइज हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव मदर गेव अशनरी कॉल टू कम ऑन द फुटपाथ ठीक है तो इसे इस तरह से मिलान कर देना है आपको

द पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द एज ऑफ अ वेल थर्ड है हु आउट फ्रॉम their हाइडिंग प्लेसेस तो आंसर हो जाएगा द फुटपाथ वर टीमिंग आउट फ्रॉम their हाइडिंग places टू इंजॉय द सनशाइन तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन तो हमने सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो इसी तरह हम आगे की बखिशिश भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद